सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट हेमंत फॉर यू चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, जैसे जयंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट हेमंत फॉर यू। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप किस तरह से सिग्नल मोबाइल एप्लीकेशन में किसी को कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर सेंड करना चाहते हैं तो आप किस तरह से पूरा कॉन्टैक्ट नंबर एक क्लिक में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको पूरा 10 डिजिट का आपको मोबाइल नंबर टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि आपके दोस्त ने, आपके फैमिली मेंबर्स ने या किसी ने भी आपको किसी का कॉन्टैक्ट नंबर सेंड करने को बोला, ठीक है, जो कि आपके पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, तो अगर आप उसको सेंड करना चाहते हैं तो आप एक क्लिक में कैसे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे आपको यहाँ पर लाइक का बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा जिससे कि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मैं यहाँ पर सिग्नल मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिग्नल मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, तो यहाँ पर लॉक लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगा देता हूँ, तो मेरा लॉक खुल गया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर सेंड करना है, किसी को भी उसका मोबाइल नंबर या किसी का भी मोबाइल नंबर सेंड करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये रोहित कुमार शुक्ला मेरा एक दोस्त है, तो मैं इस पर ओपन क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर खुल के आ गया। अब मैं इसको कोई भी मोबाइल नंबर सेंड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि इन्होंने मेरा फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि इन्होंने मेरा जो दूसरा नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो मेरे से पूछा है, ठीक है, तो मैं वो मोबाइल नंबर सेंड करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है कि सबसे नीचे यहाँ पर देखना है, सबसे नीचे राइट में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा प्लस का ऑप्शन, तो प्लस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका गैलरी, GIF, फाइल, फिर आपको जो चौथा ऑप्शन मिलेगा वो आपका है कॉन्टैक्ट का, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पर जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी वो खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पर जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं वो सारे आ जाएंगे, तो जिसका भी आप यहाँ पर सेंड करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो दूसरा नंबर है मैं उसको यहाँ पर सेव किया हूँ, मैं हेमंत उड़ीसा के नाम से, ठीक है, तो ये नंबर मैं सेंड करना चाहता हूँ, उस पर मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आ गया डिटेल्स। तो पहले ऊपर लिखा हुआ है हेमंत उड़ीसा और नीचे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, प्लस का मोबाइल नंबर के नीचे यहाँ पर अगर आप ये जो नाम है उसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और जो हेमंत उड़ीसा लिखा हुआ है तो मैं केवल हेमंत लिख देता हूँ और उड़ीसा को मैं मिटा देता हूँ, और फिर सबसे ऊपर यहाँ पर टिक लिखा हुआ था, टिक पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ था हेमंत उड़ीसा, तो यहाँ पर अब केवल हेमंत लिख के आ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके जस्ट राइट में यहाँ पर टिक बना हुआ है। तो आप चाहते हैं कि जो आप मोबाइल नंबर भेजें तो वो उसको दिखे ना, जब वो उस पर क्लिक करेगा तभी मोबाइल नंबर दिखे, ठीक है, या फिर आप चाहते हैं कि उसको टिक करने की ज़रूरत ना पड़े बल्कि मेरा नाम और मोबाइल नंबर दोनों दिखे, तो इस पर आप रहने दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि जब वो क्लिक करेगा तभी दिखे तो इस पर अनटिक कर दीजिएगा, ठीक है, तो दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने पहले क्या अनटिक कर दिया और यहाँ पर नीचे सेंड का ऑप्शन दिख रहा है तो सेंड पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मोबाइल नंबर मेरा सेंड हो गया। अब जब वो इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐड टू कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो वहाँ से कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकता है, ठीक है, और फिर हम लोग फिर से अब दूसरे तरीके से सेंड करते हैं कि यहाँ पर मोबाइल नंबर भी उसका शो हो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर प्लस पर क्लिक करा फिर से और फिर कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से मैं वही मोबाइल नंबर को यहाँ पर सेंड करके आपको बता देता हूँ, जैसे कि हेमंत उड़ीसा, इस पर मैंने क्लिक किया फिर से आपका आ गया। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो टिक है वो भी बना रहे तो आपको क्या करना है, सेंड पर आप क्लिक कर दीजिएगा, एरो पर क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका नाम प्लस का मोबाइल नंबर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर उसको ऐड टू कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख सकता है। तो दोनों तरीके से आप यहाँ पर मोबाइल नंबर को सेंड कर सकते हैं सिग्नल मोबाइल एप्लीकेशन में किसी भी फ्रेंड को, ठीक है, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको डेली कुछ नया सीखने को मिलता है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।